हेलो क्लास सिक्स, आई एम रश्मि विश्वकर्मा एंड दिस इज़ योर संस्कृत क्लास। बच्चों, आज हम संस्कृत में फोर्थ चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है धातु क्रिया, इसका परिचय। धातु क्रिया, धातु का अर्थ होता है क्रिया। हम इसी का परिचय इस चैप्टर में प्राप्त करेंगे। इस चैप्टर में हम यह जानेंगे कि धातु होती क्या है और इस धातु के रूप वचन के अनुसार कैसे चलते हैं तथा पुरुष के अनुसार कैसे चलते हैं। इसे मैं आपको नोट्स के माध्यम से समझाऊंगी। तो सबसे पहले तो यह जानते हैं कि धातु क्या होती है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल रूप क्या होता है? जैसे पठति होता है, पठति का अर्थ होता है पढ़ना, और संस्कृत में इसका मूल रूप होता है पट। लिखना का लिख, गम यानी जाना, गच्छति वाला। तो जो क्रिया का मूल रूप होता है वही धातु कहलाता है। धातु के रूप, तो धातु के रूप पुरुष वचन तथा काल के अनुसार चलते हैं। धातु के रूप जिस वचन में होंगे उसके अनुसार चेंज होते रहेंगे, जिस काल में होंगे उसके अनुसार चेंज होंगे, और पुरुष के अनुसार भी यह चेंज होते रहते हैं। तो हम सर्वनाम जब पढ़ते हैं तो सर्वनाम में भी हम जो पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं उसमें हम यह तीन प्रकार के पुरुष पढ़ते हैं, जिसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष जो होता है वह इसमें संस्कृत में इसके लिए वह, वे आदि शब्द प्रयोग होते हैं। मध्यम पुरुष में तुम सब आदि शब्द प्रयोग होंगे, और उत्तम पुरुष में मैं, हम ऐसे शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो यह हो गया तीन प्रकार के पुरुष। इन्हीं तीन पुरुषों के अनुसार धातु के रूप चलते हैं। फिर है तीनों पुरुषों के तीन तीन वचन होते हैं। अब एक पुरुष में तीन वचन होंगे, जैसे एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। फिर ये सूत्र है कि धातु या क्रिया बनती कैसे है। तो जब हम धातु में यानी क्रिया के मूल रूप में कोई प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्रियापद का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए पठ धातु है, पठ धातु है, और हमने इसमें ती प्रत्यय जोड़ दिया तो ये बन जाएगा पठति। पठति अर्थात पढ़ता है। तो धातु प्लस प्रत्यय इज इक्वल टू क्रियापद। नेक्स्ट टॉपिक है, पहले हमने देखिए इसका उदाहरण भी लिखा है। जैसे प्रथम पुरुष का एक वचन होगा पठति, द्विवचन होगा पठता, और बहुवचन होगा पठंती। वैसे ही मध्यम पुरुष का पठसी एक वचन, द्विवचन में पठथा, बहुवचन में पठत। उत्तम पुरुष में पठामी, पठावह और पठामह, यह तीन वचन हैं। नेक्स्ट टॉपिक है परिवर्तनीय तथा अपरिवर्तनीय धातुएं। हम यह तो जान गए कि धातु क्या होती है, लेकिन इसमें कुछ धातुएं परिवर्तनीय होती हैं और कुछ अपरिवर्तनीय। तो परिवर्तनीय शब्द से ही समझ में आ रहा है कि बदलने वाली, और अपरिवर्तनीय का अर्थ होता है न बदलने वाली। तो अपरिवर्तनीय जो हैं वो हैं जैसे पट, भ्रम, लिख, खाद, इनके रूप परिवर्तित नहीं होते हैं। और परिवर्तनीय धातुएं वे होती हैं जैसे पा, गम। पा मतलब होता है पीना, लेकिन इसका जो रूप चलता है वो पिब के रूप में चलता है, जैसे पिबती, पिबतः, पिबंती। वैसे ही गम होता है जाना, लेकिन इसका गच्छ रूप चलता है, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। भू का होता है भव, स्था का तिष्ठ। तो ऐसे धातु जिनका रूप परिवर्तित करके प्रयोग किया जाता है वो परिवर्तनीय, और जिनका रूप परिवर्तित नहीं किया जाता है वो अपरिवर्तनीय धातुएं कहलाती हैं। देखिए इस चैप्टर में ये तीन पॉइंट्स विशेष मैंने लिखे हैं। इन तीनों को आप समझ लीजिए कि संस्कृत में क्रिया के तीन पुरुष तथा तीन वचन होते हैं। यह तो हम देख लिए, यहाँ पे आपको बताती है जैसे तीन पुरुष हैं और इनके वचन भी तीन हैं। नेक्स्ट, काल को लकार कहते हैं। जो हम लोग लट लकार, लिट लकार, लंग लकार आदि पढ़ते हैं उसे ही हम काल कहते हैं।
ठीक है। मूल धातु में ति तह अंति प्रत्यय जोड़े जाते हैं तो इससे इसका वचन रूप प्राप्त होता है। जैसे पठ में हमने ति जोड़ दिया तो पठति एक वचन रूप हो गया, तह जोड़ दिया तो द्विवचन रूप हो गया, और अंति जोड़ दिया तो बहुवचन रूप हो गया। तो इस प्रकार से धातु के रूप पुरुष और वचन के अनुसार चलते हैं। उम्मीद है कि यह धातु आपको समझ में आ गया होगा और यह इसका रूप परिवर्तन किस प्रकार से होता है वह भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।